हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्मार्ट खेत खलिहानी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सबको बताने वाले हैं तरबूज की बुआई के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार हमने किया हुआ है और किस प्रकार से आप सबको करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें हमारा जो पीछे का खेत पड़ा हुआ है, जो 1.5 एकड़ लगभग में हमारा प्लॉट है, इसमें हमने टमाटर की बिजाई किया हुआ था और टमाटर की जो है जो प्रोडक्शन हुआ बहुत ही अधिक हुआ, लेकिन रेट न मिलने की वजह से हमने इसमें ही मिक्स करवा दिया, मतलब रोटावेटर चलवा दिया। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करें। तो हमारा टमाटर का प्लॉट था, इसलिए हमने इसमें सबसे पहले रोटावेटर चलाया। रोटावेटर चलाने के बाद 2 बार कल्टीवेटर का उपयोग किया हुआ है और उसमें गहरी जुताई हुई, और गहरी जुताई करने के बाद हमने इसमें लगभग में अपना जो छोटा वाला ट्राली से 18 से 20 ट्राली हमने सड़ी हुई गोबर की खाद का बिखराव किया है, और बिखराव करने के बाद पूरे खेत में मिक्स किया और फिर गहरी जुताई के लिए 1 कल्टीवेटर से हमने उसको पूरा खेत को जुताई किया। जुताई करने के बाद फिर हमने पलेवा किया, जो प्री इरीगेशन किया जाता है। तो प्री इरीगेशन करने के बाद 1 सप्ताह का समय आपको मिल जाता है। 1 सप्ताह में आप अपना बीज जो है कंपनी से मंगा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे, लेकिन जो हम बीज लगाते हैं वह सागर किंग का ही लगाते हैं, सागर किंग प्लस या सागर किंग ओनली लगाते हैं। बीज मंगा कर रखने के बाद आप फिर खेत की तैयारी में लग जाइए। खेत की तैयारी करने में आपको 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लग सकता है, जैसे आपकी मिट्टी उठी हो या तो फिर गीली हो, उस हिसाब से आपको समय लग सकता है। तो सबसे पहले आपको खेत के लिए 2 गहरी जुताई पलेवा करने के बाद करनी है। 2 गहरी जुताई करने के बाद आप रोटावेटर चलाएँ। रोटावेटर में चलाने के बाद फिर आप नालियों का बना सकते हैं। तो नालियों को बनाने से पहले आप किस प्रकार से कौन सी नाली बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। तो हमारा जो नाली बना हुआ है, हम 3 फीट चौड़ाई की नाली बनाए हुए हैं, क्योंकि हम फरवरी माह में ओपन फील्ड में खेती कर रहे हैं, इस वजह से नाली की चौड़ाई 3 फीट रखे हुए हैं, जिससे हमारा प्लांट भी मेंटेन हो सके। और जो 1 एकड़ में मानक होता है कि 6,000 साढ़े 6,000 बीज लगना चाहिए, वो पूरा हो सके, इस वजह से हमने 3 फीट की नाली बनाई है। और पीछे आप सब देख सकते हैं जो नाली बना हुआ है, यह नाली लाइन से जो नाली से नाली की दूरी है ये 6 से 7 फीट है, और नाली में जो नाली की चौड़ाई है वह 3 फीट चौड़ा है। और जो हम पौध लगाएंगे, जो तरबूज का बीज लगाएंगे, वह प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहेगा, 1.25 से 1.5 फीट की दूरी पे लगाया जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया, इसके बाद जो है हमारा खेत में जो नाली बन गया, इसके बाद आपको इसमें सिंचाई करना है। तो सिंचाई करने में आपको जो स्रोत हो, सिंचाई का जो साधन हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आपको 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, आपके प्लाट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने प्लाट में करते हैं, 1 एकड़ है या 1.5 एकड़ है, 2 एकड़ है, कोई 5 एकड़ भी करता है, तो आपको उस हिसाब से समय लग सकता है 1 से 2 दिनों का। तो जिस हिसाब से आप सिंचाई करते जाएंगे, उसी हिसाब से आपको सीड को पानी में फुलाते जाना है। जैसा कि हम बता रहे हैं आप सबको, यह हमारा 1.5 एकड़ का प्लॉट है, इसे हमें सिंचाई करने में सोलर पंप के माध्यम से 1 दिन का समय लगता है। तो हमने 1 दिन में ही 550 ग्राम सीड को हमने भिगो दिया। हमने 2 तारीख को पानी में भिगोया हुआ था, 2 तारीख को भिगोया, और यहाँ पे जो हमने खेत की सिंचाई भी की है वो 2 तारीख को ही की है, जिससे कि हमारा जिस दिन से सिंचाई हुआ है उसी दिन से बीज का जर्मिनेशन शुरू किया हो सके। और हम जो लगाते हैं, सबसे पहले बीज को अंकुरित करते हैं, अंकुरित करने के बाद ही हम खेतों में लगाते हैं। और 2 तारीख को हमने सिंचाई किया, तो 5 तारीख को हमारा खेत जो है भुरभुरा होता है, उठा होता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे नमी जो है नीचे है पर्याप्त, यहाँ इस नमी में हम लगाते हैं। तो हमारा जो पौधा लगता है 1.25 से 1.5 फीट की दूरी पे लगता है, और इसमें नालियों में जो है कि नालियों के दोनों साइड में 1.25 फीट की दूरी पर लगता चला जाता है। और इसमें जो हमारा जर्मिनेशन दिखाई देता है, यह 5 से 7 दिनों का समय ठंडियों में ले लेता है, क्योंकि यह फरवरी माह में बुआई किया जा रहा है। यदि यही बुआई 15 फरवरी के बाद या मार्च में किया जाता तो यह
चार से पाँच दिनों में दिखाई देने लगता है। और इस समय की जो बुआई की गई है फरवरी में 2 तारीख को बुआई की गई है, इसमें आपको 8 से 10 दिन का भी समय लग सकता है। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और इसी प्रकार की वीडियो इसमें वाटरमेलन पर A to Z जानकारी आपको हर 3 दिन 4 दिन के अंतर पे एक वीडियो आता रहेगा, जो कि किस प्रकार से किया जाए ओपन फील्ड में, इसके बारे में वीडियो आएगा।